टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। 2022 चुनाव की तारीखें नज़दीकें आ गई हैं, बिल्कुल महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जो इलेक्शन है यहाँ आगरा के, यहाँ मैं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ और यहाँ जनता से रुख जान लेते हैं कि जनता इस बार किसको अपना मुखिया बनाएगी और किसको जो विधानसभा जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद विधानसभा से किस पार्टी को जिताना चाहेगी, किस प्रत्याशी को चाहती है, कौन सा प्रत्याशी है इसका इनका चहेता, किस प्रत्याशी पे इन्होंने इनको आस है कि वो इनके बाकी के जो पिछली सरकारों में काम नहीं हुए थे वो इनको काम करके देगा। जी क्या नाम है आपका? मीना कुसमा है। कुसमा जी, कुसमा जी ये बताइए आपके गांव में जो शौचालय बने हैं आपके? शौचालय का जैसे बेटा हूँ जानते लैट्रिन बनी है काउ को ना बनी थे योगी जी ने तो लैट्रिन बनवाए थे, शौचालय बनवाए थे अमायदा बे भद्दा बने तो बे फोरा में तो बे फोरा में तो आए ना अब तक नहीं बना ना बना भाई। कितनी बार भर चुके आप फोरम? दो तीन बार भद्दे, दो तीन बार पहले उपदान भद्दा अब किसी नौ प्रधान हुआ तब भद्दे बनने। अच्छा अच्छा। और आवास मिला आपको? मकान मिला? ना मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। सरकार की तरफ कुछ नहीं मिला? राशन मिलता है? हाँ राशन तो मिलता है। राशन मिलता है? चार किलो राशन मिलता है। चार किलो मिलता है? हाँ तो पाँच किलो मिलना चाहिए राशन के लिए। चार किलो मिलता है राशन? अच्छा राशन चार किलो मिलता है। और जब भाई बच्चा दूध के यहाँ पढ़वे जाते छोटे छोटे बच्चा देखिए एक जे रही एक जे रखो देखो जिन्हें राशन ना मिलते जी भाई यहाँ की वो है। अच्छा अच्छा आंगनबाड़ी। अच्छा ये बताइए इस बार फिर आप किसको किसको वोट देना चाहेंगे, किसको मुखिया बनाएंगे, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? रूपाली है जी। रूपाली है? रूपाली को? हाँ उनसे उम्मीद है आपको? हाँ मैंने उम्मीद है। उम्मीद है? अब आज जितना करमन की बात है देंगे तो हम जिन नहीं रूपाली को देंगे। हाँ मेरे साथ यहाँ एक अम्मा मौजूद है, मैं इन अम्मा से बात कर लेती हूँ ये किसको वोट देंगी। इन्होंने तो कहा मैं रूपाली को वोट दूंगी। ठीक है अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटा मांगो है। अम्मा ये बताइए कि आप पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? बेटा तुम्हारी दे देंगे और को ठाड़ो है रहो तुम्हें यहाँ दिल्ली का को ठाड़ो है। अम्मा मैं नहीं वोट पर खड़ी हूँ, मैं तो मीडिया से हूँ। इस बार आप किसको वोट देंगी? साइकिल में दे देंगे तो चलो साइकिल में देंगे। उम्मीद है? उम्मीद है साइकिल में ही देंगे। रूपाली से उम्मीद है? साइकिल में दे। देखिए ये हमारे साथ यहाँ एक अम्मा भी मौजूद थी, इन्होंने भी बताया कि मैं साइकिल पर वोट दूंगी और रूपाली दीक्षित को वोट दूंगी। यहाँ कई लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने सबका यही बताया रुझान था। ये मेरे साथ एक भैया और मौजूद हैं, ये हालांकि टोपी लगाए हुए हैं। मैं फतेहाबाद से विधानसभा उपाध्यक्ष बच्ची गुजर। अच्छा ये बताइए किस तरह का रुख है और यहाँ कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि सब रुख समाजवादी पार्टी का चल रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है, बहुत वोटर से जीत रही है। सब सम्मान कर रहे हैं, सब समाजवादी पार्टी का वोटर। यहाँ मेरे साथ युवा मौजूद, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल भैया ये बताइए कि इस बार किसको मुखिया बनाएंगे, किसको वोट देंगे? इस बार देखो सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं जी, लेकिन संघर्ष सभी का जोरदार है, लेकिन रूपाली दीदी यहाँ से पार जाएंगे ये मेरा नहीं है, सभी खड़े सबका यही वादा है। सभी का वादा है? सभी का वादा है। रूपाली दीक्षित को ही जिताएंगे जी। जी बिल्कुल। यहाँ मेरे साथ हाँ बोलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह। मोहन सिंह जी ये बताइए इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? इधर आ जाइए। रूपाली को वोट देना चाहेंगे। रूपाली दीक्षित को? तो अच्छा ये बताइए कि पिछली सरकार में आपका क्या कुछ ऐसा आपको काम रहा जो कि आप इस बार बदलाव चाह रहे हैं, चेंजिंग चाह रहे हैं? चेंजिंग चाह रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुई इस सरकार से। कोई फायदा नहीं हुआ था? फायदा नहीं। आपको आवास की सुविधा नहीं मिली थी? कोई सुविधा नहीं मिली। नहीं मिली? और जो शौचालय की जो व्यवस्था की गई थी पिछली सरकार के द्वारा आपके यहाँ वहाँ भी नहीं है? वो तो मिली थी। मिली थी? अच्छा तो ये मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया मुझे और पूरी तरह लोगों का रुख है साफ तौर से कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं फतेहाबाद विधानसभा से। यहाँ मेरे साथ एक युवा और मौजूद है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपको? कृष्णकांत। कृष्णकांत जी ये बताइए कि इस बार किसको वोट देंगे, किसको मुखिया बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में किसको मुखिया बनाएंगे? देखिए हुआ क्या है, पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा। तो उससे जो उम्मीदें की थी उस पर कोई परिणाम नहीं निकला। अच्छा, जो भी कार्य किया है केंद्र सरकार ने किया है ये
जो राज्य की सरकार है ये तो केवल नाम चेंज करने में लगी हुई है। अच्छा। हाँ, इनका कोई भी काम नहीं, केवल कागजों पर काम है और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। इस बार हमने नहीं, प्रत्येक युवा ने, मेरे साथ के जितने भी छात्र में एक छात्र इस समय, सबने ठाना है कि इस बार परिवर्तन यूपी में लाना है और जय अखिलेश जय समाजवाद। बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि जिस तरह लोगों का रुझान है, जो रुख है, बिल्कुल साफ और बदलाव की स्थिति चाह रहे हैं यहाँ जनता। और इन सभी का मत ये है कि ये बीजेपी को वोट ना देके ये समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं रूपाली दीक्षित के समर्थन में हैं सभी लोग, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी लोग रूपाली दीक्षित के समर्थन में। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के पूर्वी विधानसभा में। तो प्राइम पब्लिक सरकार के इस एपिसोड में हम लोगों से जानेंगे कि पूर्वी विधानसभा में क्या विकास कार्य पिछले 5 सालों में किया गया है, वहीं इस बार 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि उनके विचार से क्या होगा इस बार 2022 के इलेक्शन का रिजल्ट। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी, आप अपना नाम बता दें। इमरान अली। इमरान, हमें ये बताएं कि 2022 के चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? हम तो देखते हैं कोई टक्कर है या चाहे जो क्यों नहीं। किसकी टक्कर, किन दो पार्टियों के बीच में या तीन पार्टियों के बीच? समाजवादी और बीजेपी में। और कौन इस रेस में आगे दिख रहा है आपको? हमको तो सपा दिख रही है। सपा दिख रही है। अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, इस पे आप क्या कहेंगे? अरे भैया, आप क्या अपराध पे नहीं कुछ नियंत्रण लगाया गया है तत्कालीन सरकार के द्वारा? हाँ, लगा तो है। और बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भाजपा से कट कर सपा में गए हैं, तो क्या इसका कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, अब वो ऐसे तो सपा की बहू भी चली गई ना, तो क्या उनको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब राजनीति है मेरे भाई। अच्छा, वहीं अगर देखा जाए तो तमाम लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं मैनिफेस्टो में, जो हर एक पार्टियां चुनाव से पहले जनता के लिए बताती है कि हम 5 सालों में ये कहेंगे। तो खास तौर पर इस पर कहा जा रहा है कि बिजली का मुद्दा, फ्री बिजली, 300 यूनिट बिजली, और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है किसानों की फ्री बिजली, तो ये सब पैतरा जनता के अंदर में क्या रिजल्ट देगा? अभी तो आने वाला वक्त बताएगा भाई, मेरे 10 मार्च को पता चलेगा, अभी हम क्या बता दें। जी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद हसीब। कहाँ रहते हैं मोहम्मद आप? मैं रहने वाला अमीनाबाद का हूँ। अमीनाबाद के हैं आप? अभी पूर्वी विधानसभा में हैं, यहाँ से आशुतोष टंडन जी यहाँ से विधायक हैं। तो अगर बात करें, आप भी यहाँ दुकान लगाते हैं, तो पिछले 5 सालों में उनके द्वारा कुछ काम आपको दिखता है? काम क्या बता दें, हम काम यही दिखता है जो जाड़ा था, जाड़े में रात का लॉकडाउन लगा दिया। रात का लॉकडाउन लगाने का क्या फायदा है? पब्लिक तो 10 बजे 8 बजे मार्केट बंद हो जाती, 10 बजे पब्लिक घर चली जाती। लॉकडाउन लगाना था, दिन में लगाते जिसका बेनिफिट होता, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है। कोरोना पे या कोई चीज पे भी सिर्फ राजनीति हो रही है। अच्छा, और आपके मुताबिक 2022 में किसकी सरकार बनते हुए दिखेगी? अखिलेश जी की सरकार बनेगी, केवल अखिलेश की और किसी की नहीं। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से इस बार महिलाओं को 403 विधानसभाओं में से 40% महिलाओं को उतारा जाए, तो ये कांग्रेस का पैतरा कितना कारगर साबित होगा? कोई कारगर नहीं साबित होगा। आदमी अपनी आजमाइश करता है, कोशिश करता है, कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, कहीं पे उसने अपनी गलतियां की हैं, इसलिए भुगतान भुगतना उसको पड़ रहा है। आप अपना नाम बता दें। इसरार अहमद। इसरार भाई, हमें ये बताएं कि 2022 के चुनाव में आपको कौन सी पार्टी सबसे आगे दिख रही है और किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव आपको आते हुए दिख रहा है, ऐसा क्या कुछ हमें वजह बताएंगे? भाई, सबकी अलग अलग पसंद होती है, हमें अखिलेश पसंद है बस। और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। मुझे सबसे अच्छी सरकार जो लगी है योगी जी की लगी है। अच्छा, क्योंकि जो बात बताएं कि सरकार की तरफ से बस 3 कामों को हमें बताएं जो आपको अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा लगा सरकार जो गरीब इंसान के लिए योजना दे रही है और राशन दे रही है। पिछले जब से लॉकडाउन लगा है, जब से किसी भी व्यक्ति ने परिवार में आटा नहीं खरीदा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है चावल भी नहीं खरीदा होगा उसने, जो राशन दे रही है सरकार इस समय। और दूसरी बात, कितनी गुंडाई थी, दबंगई थी, वो भी सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, दिख रही है। कोई दबंगई नहीं हो रही है, किसी के मकानों पर कब्जा नहीं हो रहा है, किसी के प्लाटों पर कब्जा नहीं हो रहा है, किसी जमीनों पर कब्जा नहीं हो रहा है।
सरकार सख्त है, एक्शन लेती है। अच्छा, वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है राशन पहले भी बढ़ता था, आवास पहले भी बढ़ता था, इन सब मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? सरकार जो विपक्ष जो बोल रही है, विपक्ष कुछ कर तो पाएगी नहीं, ना कुछ करती है विपक्ष, सिर्फ बोल सकती है विपक्ष। सरकार कर रही है और करती रहेगी। जो मोदी जी ने बोला है कि हम कन्याओं के लिए सुविधा दे रहे हैं और भी आम आदमी के लिए इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, विपक्ष ने कभी राशन दिया इतना? अच्छा, आप कहाँ से? तो पहले भी थी जी। आप कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। किस विधानसभा क्षेत्र से? लखनऊ विधानसभा से हूँ। अभी पूर्वी में हम खड़े हैं तो बात करें तो यहाँ से आशुतोष टंडन विधायक हैं, तो पिछले 5 सालों में इनका कैसा काम इन्होंने अपने विधानसभा में किया? नहीं, मुझे जो पिछले विधानसभा में भी जो काम हुआ है, और ये बीजेपी का गढ़ रहा है इंदिरा नगर हमारा, ठीक है, यहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करा है, इसीलिए सब लोग बीजेपी को चुनते हैं और मैं भी बीजेपी को पसंद करता हूँ, चुनता हूँ जी। आप अपना नाम बता दें। बबलू तिवारी। अच्छा बबलू, हमें ये बताएं कि 2022 चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, पहला फेज का मतदान अब होगा कुछ ही दिन के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार आ रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। ऐसा आपको बबलू क्यों लग रहा है, हमें कुछ बताएं? इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए, अभी भैया बोल रहे थे कि गल्ला मिल रहा है फ्री में, 80 रुपये का गल्ला देके 400 रुपये का सिलेंडर 1000 में दे रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं तो कहीं से दे रहे हैं, उसका ऐसा थोड़ी ना मतलब है। आप देहात साइड में चले जाइए, इतने छोटे जानवर हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देंगे, 2 करोड़ मतलब 7 साल हो गया कम से कम, 14 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। अच्छा बबलू, कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि 20 लाख हम रोजगार देंगे, वहीं हर साल नियुक्ति पत्र देंगे और युवाओं के लिए खास तब उन्होंने मैनिफेस्टो में बात किया है, युवा मैनिफेस्टो भी लाया है, उस पर क्या कहेंगे? जब सत्ता आएगी तब कोई बात होगी, सत्ता आएगी नहीं उनकी तो क्या बता दिया जाए? लड़ाई तो केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है जी। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के पूर्वी विधानसभा में, जहां आशुतोष टंडन यहां के विधायक हैं और साथ ही साथ उनके साथ जो दूसरे वनवप थे वो बहुदूरिया थे, जो आज के समाजवादी पार्टी में। जी अपना नाम बता दें। वकार अहमद। वकार, हमें ये बताएं कि 2022 चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? योगी जी महाराज की। योगी जी महाराज की। तो बाबा बाबा बाबा। अच्छा हमें ये बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है बिजली फ्री, किसानों के लिए फ्री बिजली, और वहीं आपकी तरफ से बिजली फ्री का वादा किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से महिला को 40% सीटों पर उतारा जा रहा है, तो उनका पैतरा कहां तक कारगर साबित हो पाएगा आगामी विधानसभा? बिल्कुल माइनस में जाएगा, हमें महाराज जी चाहिए बाबा। कितनी सीटें आती हुई आपको दिख रही है? 300+। 300+। अच्छा हमें ये बताएं कि भाजपा की तरफ से जो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार 5 साल पूरे होने को हैं, उसमें आप हमें कुछ ऐसे काम बताएं जो आपको पसंद आए हो। सारे काम उन्होंने अच्छे किए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सब चीज़, महिलाएं देखिए सुरक्षित हैं, सब कुछ जी। आप अपना नाम बता दें। रुपियान। क्या काम करते हैं आप? कपड़े की जॉब करते हैं। क्या कपड़े की जॉब करते हैं? अच्छा कपड़े की दुकान पे जॉब करते हैं, कैसा काम चल रहा है? बड़ी है, बहुत खराब चल रहा है, कारोबार बहुत खराब है। किस विधानसभा से आते हैं आप जी? आप किस विधानसभा से आते हैं लखनऊ की? ये डालीगंज। डालीगंज। तो अगर बात करें तो 2022 में चुनाव है, महज कुछ दिनों के अंदर मतदान शुरू हो जाएंगे, तो आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? बीजेपी। बीजेपी की लगती है जी। भाई विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि इस सरकार में महंगाई बहुत बड़ी है, पेट्रोल और सरसों के तेल, इन सब चीजों पे विपक्ष घेर रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बहुत बढ़ी है जी। अरे बहुत महंगाई बढ़ी है भाई। अच्छा आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम अंकित कुमार मिश्रा है। अच्छा अंकित, हमें ये बताएं कि 2022 चुनाव में आपकी किसकी सरकार? बीजेपी। जित हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी, वो बीजेपी ये काम नहीं, वो बेकार जवानी है। अच्छा हमें ये बताएं कि साफ तौर पे कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जैसी कमाई वैसी महंगाई, यार क्या महंगाई बढ़ी? आज आदमी 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहा है, 30 रुपए में गेहूं मिल रहा है, 25 रुपए में चावल, 30 रुपए में मिल रहा है, तो क्या महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। तो वहीं कुछ और लोगों से चलते हैं और बात करते हैं कि उनके मुताबिक उनका क्या, उनके विचार में क्या है कि किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है और कौन 2022 की सत्ता की जो चाबी है वो हासिल करेगा। तो आइए, बीजेपी आ रही है, यहाँ समर्थक जा रहे हैं बीजेपी के, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि बीजेपी आ रही है। जी मैम, एक सेकंड बात करूँगा आपको।
अच्छा आते हैं। आइए कुछ भाई खड़े हैं, कुछ युवा खड़े हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके विचार में क्या। आपने नाम बता दें। शानू सोनकर। शानू सोनकर। अच्छा शानू, हमें ये बताएं 2022 चुनाव में आपको किसकी सरकार बनते हुए दिखे? बीजेपी। बीजेपी की। अच्छा ये बताएं कि बीजेपी की तरफ से विपक्ष हमेशा घेरते हुए दिख रहा है और कह रहा है महंगाई बहुत बड़ी है, तो आपके मुताबिक क्या कहते हैं? शेर को झुंड में तो कुत्ते घेर ही लेते हैं, यही होता है। अच्छा कांग्रेस की तरफ से युवाओं को 2,00,000 रोजगार देने की बात कही जा रही है और सपा की तरफ से 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई बिजली का प्रावधान किया जाए, वहीं पेंशन योजना को फिर से लागू करने की बात कही जा रही है, तो इस पे क्या जनता उनके तरफ जाएगी? नहीं सर, ये सब समझ में आता है लोगों को। पहले क्यों नहीं कर रहा था जब सपा की सरकार थी 300 यूनिट बिजली फ्री कर देते, अब क्यों कर रहे हैं? अब तो आना चाहिए ना, आने के लिए चक्कर में कर रहे हैं ना ये, बस इसलिए और कुछ नहीं। अच्छा आप अपना नाम बता दें। सोनू। अच्छा सोनू, पिछले 5 सालों में विपक्ष घेर रहा है कि रोजगार नहीं मिला है, तो आपके मुताबिक क्या लगता है? हम क्या बता सकते हैं, क्या काम करते हैं आप? हमारे कपड़े की दुकान लगती है। अच्छा कपड़े की दुकान है, कैसी सेल चल रही है? अच्छी सेल चल रही है। और अभी तो तीसरा लहर चल रहा है, तो क्या इससे आपकी दुकान पे कुछ असर आया है? असर तो सभी को में आया, थोड़ा बहुत असर आया है। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके विचार से किसकी सरकार बनेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के उत्तरी विधानसभा में, जहां से आशुतोष टंडन विधायक हैं, और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि भूतनाथ मार्केट है, जहां तमाम लोग आते हैं अपनी खरीदारियों को करते हैं। घरेलू अगर बात करें तो घरेलू लगभग सामान्य यहां मिलते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी आप अपना नाम बता दें। जी प्रकाश नारायण पाठक। अच्छा प्रकाश जी, हमें ये बताएं कि 2022 की चुनाव में किसकी सरकार आपको आते हुए दिख रही है? अब सरकार तो सर तो देखा नहीं जा सकता है, बहुत लोग तो बता रहे हैं कि समाजवादी आ रही है, बहुत लोग बता रहे हैं। आपके मुताबिक किसकी सरकार लग रही है? अब हमारी सरकार तो सरकार सब सही है, सरकार कोई गलत नहीं है। महंगाई का है, महंगाई तो भाई किसी भी सरकार में होती रहती है, ऐसा नहीं है महंगाई के लिए क्या करे सरकार, उसमें क्या करे भाई सरकार। अगर वो 10-20 लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था कैसा है? कानून व्यवस्था ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार। अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक दल महंगाई और अपराध पे सवाल उठा रहा है कि हाथरस हुआ, लखीमपुर हुआ, तो क्या आपको लग रहा है इन सब चीजों को देखते हुए जनता का मन बदलेगा और सरकार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? ऐसा हो सकता है, जनता का मन बदल सकता है, मगर जनता का मन बदलना नहीं चाहिए। सरकार कोई गलत नहीं कर रही, सरकार इसमें कोई भूमिका नहीं है। आपके मुताबिक कौन सरकार बनाएगा? अब हमारी सरकार तो भाई बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी हमारी तरफ से, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं। तो आइए कुछ और लोगों से बात करो। जी आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम जेपी वर्मा है। जेपी हमें ये बताया सर कि 2022 चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं, आपको किसकी सरकार बनते हुए? बाबा ही आएंगे भैया, बाबा आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो ये हमें बताएं कि तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, इस पे आप क्या कहेंगे? महंगाई तो यार तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों की, महंगाई बढ़ी है, तनख्वाह भी बढ़ी है, महंगाई कोई खास नहीं बढ़ी है, कुछ थोड़ी सी है लेकिन उतनी नहीं है। ठीक है, तत्कालीन सरकार के कुछ ऐसे काम बताएं जो आपको अच्छे लगे। भाई साहब इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही थोड़ी बहुत, इतना डेवलपमेंट रोड बन रहा है, इतना डेवलपमेंट है, बाजार सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे हिसाब से तो बाबा को ही आना चाहिए। अच्छा अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा था कि जो पुरानी पेंशन जो प्रणाली है उसको फिर से लागू किया जाएगा, तो क्या इससे जनता का रुख उनके तरफ बढ़ेगा? सर सबसे पहली बात ये देखने वाली है कि पुरानी पेंशन हटी कब थी, तब तो सरकार उन्हीं की थी मुझे जहाँ तक पता है अगर मैं सही हूँ तो ये सब लुभावने वादे हैं चुनाव के टाइम में जो किए जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा इससे कोई फर्क पड़ेगा। और जहाँ तक बात बीजेपी की है तो लोगों ने बीजेपी का काम देखा है, मैं अपना व्यक्तिगत मत बता सकता हूँ, बाकी तो जनता तय करेगी। और जहाँ तक सपा की बात आप कर रहे हैं, ये बात ये तो कई बार सरकार में रह चुके हैं, तो आज जो बातें ये कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, तब इन्होंने काम उस पर क्यों नहीं किया? आज इनको मंदिर भी दिख रही है, आज इनको पुरानी पेंशन भी दिख रही है, तब भी दिखनी चाहिए थी, तब कुछ किए रहते और आज कहते तो लोगों को भरोसा होता, मुझे नहीं लगता लोगों को भरोसा होगा उनकी बातों पर। अच्छा कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि 2,00,000 युवाओं को रोजगार देंगे और जो 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में उस पर 20% महिलाओं को उतारेंगे, तो ये कहां तक उनका ये पैतरा कारगर साबित? भैया पंजाब में काहे नहीं कर रहे हैं, पंजाब में उनकी सरकार है और राजस्थान में भी है ना भैया, राजस्थान में है, पहले वहां कर लें, वहां के लोग यहां आके धरना देते हैं प्रियंका जी के सामने, तो पहले वहां कर लें फिर यहां दिखाएं करके, वहां स्कूटी दे दें सबको।
अरे सबसे बड़ी बात तो सर ये है, उनकी अभी एक कोई महिला नेता थी, अभी बीजेपी में आई है, उनको प्रियंका मौर्या पोस्टर गर्ल, प्रियंका मौर्या हाँ, जो पोस्टर गर्ल थी, जो बहुत हाईलाइटेड भी थी, इन्होंने तो उनका ही सम्मान नहीं किया, तो बाकियों का क्या सम्मान करेंगे? जो आपके लिए अपना समय दिया, अपना खून पसीना लगाया, आप उन्हीं का सम्मान नहीं। वही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बस टिकट के लिए वो आई थी और टिकट ना मिलने से नाखुश होकर वो भाजपा को ज्वाइन कर। सर देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। आपकी अगर कुछ महत्वाकांक्षा नहीं होगी, उम्मीद नहीं होगी, तो आप मेहनत क्यों करोगे? आप सुबह शाम तक मेहनत करते हो दो रोटी कमाने के लिए। उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षा रही होंगी कि मैं किसी पद पर जाऊँ तब जनता की सेवा करूँ। सेवा वो वैसे भी कर रही थी, वैसे भी करती थी, तो इसमें कोई। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद क्या ओटो का पोलराइजेशन सपा के प्रति होगा? हमें नहीं लगता है। किसी महत्वाकांक्षा को लेके ही वो अपना बीजेपी छोड़ दिए, किसी महत्वाकांक्षा को लेके ही बीजेपी में आए थे, ऐसे थोड़ी ना राजनीति होती है भैया। उनकी बेटी अभी बीजेपी में है। हाँ ठीक है, वो तो देखिए क्या है, खेल है, कोई बीजेपी में रहता है, कोई सपा में चला जाएगा। उसे माधवराव सिंधिया को देखिए, वहाँ कोई बीजेपी में था वो सरकार, इधर कांग्रेस में रहते थे, तो अपना अपना राजनीति करने का तरीका है। लेकिन भैया आप किसी महत्वाकांक्षा को लेके बीजेपी के साथ जुड़े थे तो आप काम करिए ना, काहे छोड़ के चले जाए। जनता समझदार हो गई, आपके व्यक्तिगत निर्णय पर सारी जनता मूव नहीं होती है। हाँ, उनके जो अपने खास लोग होंगे वो जा सकते हैं कुछ परसेंट, लेकिन बाकी प्रदेश के जनता पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उधर चलेगा। अब जनता ये देख रही है कि जो सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है हम उनको वोट देंगे, या नहीं कि किसी पार्टी व्यक्ति के लिए। तो इस वक्त हम मौजूद थे लखनऊ के पूर्वी विधानसभा में, जहाँ से आशुतोष टंडन तत्कालीन विधायक हैं। यहाँ हम तमाम लोगों से बात किए और जाने कि उनके मुताबिक 2022 में किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है। तो साफ तौर पे लोगों का विचार जो था वो मिला जुला था, और खासकर हम देखें तो सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब रिजल्ट 10 मार्च को आ रहा है, देखना होगा किस किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन नीवेज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।